हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का जो करंट अफेयर है वो है 6 जनवरी 2023। सो बिफोर आई बिगिन, लेट मी रिमाइंड यू कि आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करो, पीपीडीआर डाउनलोड करो, सो दैट यू कैन रिवाइज इट। So let's begin with the first piece of news. So ये जो news है, this is related to cabinet approval, ठीक है? Cabinet approval किस तरीके का? देखो, जो Ministry of Development of North East, ठीक? PM Divine, North Eastern Region, इसके objective को पहले समझो, क्योंकि देखो कोई भी scheme जब आप पढ़ते हो ना, उसके पीछे के reason को अगर आप समझ गए, तो बड़ा आसान हो जाता है पूरे news को interpret करना और पूरे news को याद रखना भी, ठीक है? तो हम शुरू से शुरू नहीं करते, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव से समझते हैं। क्या है ऑब्जेक्टिव? देखो, MoDO NER इज टू सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑन वन हैंड एंड फेल्ट नीड ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑन द स्टेट। तो देखो, बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारा, ये कई बरसों से, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, दिस वॉज लॉट ऑफ नेग्लेक्टेड, ठीक है? जो चिकन नेक, अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे, वेस्ट बंगाल के तरफ से ये जो नॉर्थ ईस्ट शुरू हो रहा है ना, जो जहां की बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ भी शेयर करते हैं, तो यहाँ पे बहुत छोटा सा पैच है, इसको हम चिकन नेक बोलते हैं, राइट? तो ये चिकन नेक का जितना भी रीजन है, दिस वाज ऑलवेज ए नेग्लेक्टेड। तो एक नया मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री का काम ही है कोऑर्डिनेट करना बाकी दूसरे सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। मतलब इट्स नॉट, यू कैन नॉट से इट्स एन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, इट्स नॉट ए फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री इज ओनली वर्किंग टू सप्लीमेंट द एफर्ट, दैट्स इट, ठीक है? सो अब न्यूज हम पढ़ते हैं। तो न्यूज क्या है? देखो, जो यूनियन कैबिनेट है उसको चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने अप्रूव किया जो MoDO NER के अंडर में एक स्कीम है, जिसका ये था 12,882.2 करोड़। ये अब 15 फाइनेंस कमीशन का जो रिमेनिंग पीरियड है, कब तक चलेगा? 2025-26 तक चलेगा, ठीक है? तब तक ये स्कीम वैलिड रहेगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है 15 फाइनेंस कमीशन को लेके। तो देखो, दिस इज फाइनेंस कमीशन जो डिसाइड करती है डेवोल्यूशन एंड किस स्टेट को कितना पैसे जाएगा थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? तो 15 फाइनेंस के कमीशन थे, चेयरमैन थे एनके सिंह। आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा, एंड अगर आपको ये नहीं पता, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये जो पैसा है ना, ये इस पार्ट का पैसा नहीं है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम की बात करें तो वो अलग से है, ठीक है? विल बी 8,139.5 करोड़ इंक्लूडिंग कमिटेड लायबिलिटी ऑन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, वो अलग है। एंड स्कीम फॉर NEC वो अलग है विथ ₹3,207 करोड़। मतलब गवर्नमेंट ने यहां पूरा क्लियर कर दिया है कि ये जो पैसा है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस वन, दिस इज एक्चुअली यू नो डिफरेंट, जो MoDO NER के अंडर में चल रहा है और बाकी जो चल रहा है एज पर द कमीशन्स रिकमेंडेशन, वो सब तो यहाँ पे है ही, ठीक है? इसके ओवर एंड अबव है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वो है जेम्स एंड ज्वेलरी मशीनरी एक्सपो। देखो, IIJS सिग्नेचर एंड इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी मशीनरी एक्सपो जो है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? GJEPC, ठीक है? जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक? कहां पे किया गया है? बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, मुंबई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लोकेशन पूछ सकता है आपको या फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वो है रिगार्डिंग बी कीपिंग। तो आपको ध्यान होगा, व्हाट इज बी कीपिंग? तो देखो, बी कीपिंग में KVIC जो है ना, बी बॉक्सेस कई गांव में लास्ट कुछ दिनों से बांट रही है, मतलब गांव में, मतलब कुछ राज्य में, राइट? कुछ राज्य के रूरल विलेजेस में बांट रही है। अब इसके पीछे का एक वजह यह भी है कि वह उस गांव को एलिफेंट अटैक से बचाना, ठीक? होता क्या है, देखो मान के चलो ये एक गांव है, यहाँ यूजुअली वाइल्ड एलिफेंट अटैक करते हैं, तो KVIC क्या करता है, पूरे मतलब बी बॉक्स बांट के पूरे गांव के चारों पेरिफेरी में वो बी बॉक्स को लगा देते हैं, ताकि एलिफेंट जब अटैक करे तो बी बॉक्स, मतलब बी उनको
अटैक करेगा एलिफेंट को एंड एलिफेंट रिटर्न चले जाएगा. दिस इज व्हाट द एंटायर लॉजिक इज. ठीक है, एंड ऊपर से गांव में जितने लोग हैं यूजिंग दिस बी बॉक्सेस दे विल हैव सम अर्निंग्स. ये भी एक फैक्ट है. तो बी कीपिंग इज अ मीडियम ऑफ स्वीट रेवोल्यूशन. तो इस नाम को आप एकदम ना भूलना, ये नाम है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वीट रेवोल्यूशन. ठीक है, सो स्वीट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट, बी कीपिंग. ठीक है, या बी कीपिंग को क्या बोला जाता है, बी कीपिंग इज अ मीडियम ऑफ व्हाट, स्वीट रेवोल्यूशन. ऐसा सवाल बन जाएगा तो आपको जवाब क्या देना होगा, स्वीट रेवोल्यूशन. बाकी यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये पुराना न्यूज है, आई होप ये आपको पता है, नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो. पढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वो है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन. तो देखो जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है इनको अवार्ड मिला है ईट राइट स्टेशन विथ 5-स्टार रेटिंग. मतलब जो भी खाना वहां पे मिलता है इट्स गुड फॉर हेल्थ एंड हैज अ 5-स्टार. किसने दिया है, एपिक्स बॉडी FSSAI. ठीक है, किसने दिया है, FSSAI. तो ये आपको ध्यान देना है. चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वो है 4-डे कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप. तो ये वर्कशॉप कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, दिस वर्कशॉप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया. क्या है, 4 डेज कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर EMRS फैकल्टी. ठीक है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के फैकल्टी के लिए ये होगा. तो ये आपको ध्यान देना है, किस पे, न्यूट्रिशन एंड मेंटल वेलबींग ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वो है जो श्री अनुराग ठाकुर मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स है, ये थीम और यूथ 20 समिट का लोगो वेबसाइट सब लॉन्च करने वाले हैं. कब, 6 जनवरी को, मतलब आज. ठीक, तो ये लॉन्च हो जाने दीजिए, फिर हम इसके बारे में पढ़ लेंगे. दिस वॉज ए सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वो है रिगार्डिंग फॉरेन यूनिवर्सिटी. तो देखो एक बहुत बड़ा न्यूज यूजीसी की तरफ से आया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज कैन नाउ सेट अप इंडिया कैंपसेस बट नो ई क्लासेस. ई क्लासेस वो नहीं कर सकते, मतलब वो अगर इंडिया में कैंपस बिठाए हैं तो बच्चों को बुला के ही उनको एजुकेशन देना होगा. ठीक है, तो ये ड्राफ्ट रेगुलेशन है फॉर सेटिंग अप एन ऑपरेशन ऑफ कैंपसेस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. तो दिस इज यू नो ए वेरी गुड स्टेप टूवर्ड्स ब्रिंगिंग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन टू इंडिया. अब मान के चलो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, अपना कैंपस मुंबई में सेटअप करता है, तो ऑब्वियसली इट्स ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडिया एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. जो लोग जाके पढ़ नहीं सकते वो अब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में यहाँ पढ़ सकते. सो ऐसा ही कुछ जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है वो आके अपना कैंपस सेट कर सकती है, बट ई क्लासेस नहीं होगा एज पर दी ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. तो ये आपको ध्यान देना है. आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वो है रिगार्डिंग रीक्लासिफिकेशन. तो अगेन वेरी बिग न्यूज. देखो आपको पता होगा आईडीबीआई बैंक इनिशियली क्या था, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक था, लेकिन बाद में इसको रीक्लासिफाई किया गया प्राइवेट सेक्टर. क्यों, क्योंकि मेजोरिटी शेयर होल्डर कौन बन गया इसमें, एलआईसी बन गया. राइट, अब इसमें एलआईसी भी है, गवर्नमेंट भी है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो है ही है. तो यहां पे सेबी क्या बोल रहा है, ठीक है, सेबी अभी क्या कर रहा है, एक रीक्लासिफिकेशन आईडीबीआई बैंक का. ठीक है, जहां पे जो गवर्नमेंट होल्डिंग है उसको पब्लिक होल्डिंग बताया जाएगा. द लेंडर टोल्ड द लॉ स्टैक टुडे. आईडीबीआई बैंक ने ये बात स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि सेबी के रीक्लासिफिकेशन के हिसाब से जो आईडीबीआई का पब्लिक वाला पार्ट है वो पब्लिक होल्डिंग अब से रीक्लासिफाई किया जाएगा. This is subject to the condition that bank voting right in the bank will not exceed 15% of the total voting right after the sale. ठीक, तो I hope यहां तक आपको clear हो गया है. ठीक है, तो public holding ये आपको ध्यान देना है क्योंकि ये objective में आपको पूछ सकता है. बढ़ते आगे next news के तरफ regarding neo banking. तो neo banking startup जो है Jupiter, इन्होंने 100 करोड़ रुपए in venture debt उठाया किससे, अल्टेरिया से. तो इसमें एक सवाल कैसे बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रेस्ड 100 करोड़ इन वेंचर डेट फ्रॉम अल्टेरिया. तो आंसर होगा जुपिटर. या आपको ये पूछ लेगा जुपिटर रेस्ड रुपीज 100 करोड़ इन वेंचर डेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी.
तो आंसर होगा अल्टेरिया। ऐसा ही सवाल आपको समझना है। तो ये डेट फंडिंग है, दिस इज नॉट इक्विटी फंडिंग, ठीक है। इक्विटी फंडिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे जो फाउंडर्स है, मतलब जो सिंपल सी बात है, जो कंपनी है उसके इक्विटी शेयर्स उस पैसे के अगेंस्ट में अलॉट किया जाता है। बट जो डेट फंडिंग है, इक्विटी शेयर्स नहीं जाता, उसके पीछे इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये पैसा रिटर्न करना पड़ता है, राइट। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन फ्यूचर में अगर बढ़ गया, अगर क्या बढ़ने ही वाला है, जो बढ़ गया तो उसका फायदा नहीं होगा, सिर्फ उनको क्या मिलेगा, 100 करोड़ के पीछे जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसमें एक टर्म है नियो बैंकिंग। नियो बैंकिंग का मतलब क्या है, नियो बैंकिंग मतलब न्यू एज बैंकिंग। जहां पे देखो जुपिटर जो है, ठीक है, जुपिटर इज नॉट ए बैंक, जुपिटर इज ओनली ए फिनटेक। ये कौन है, सिंपल से बात है, ये है फिनटेक कंपनी। मतलब ऊपर से इन्होंने एक ऐप बनाया, बहुत सारा, मतलब एक बढ़िया ऐप बनाया, बढ़िया यूआई यूएक्स है, बहुत सारे सर्विसेज उन्होंने दिए हैं, और पीछे एक बैंक बैठा हुआ है जो इनका पार्टनर है। मतलब जो बेसिक बैंकिंग है वो तो बैंक ही प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन जो मतलब अट्रैक्शन वाला काम है वो जुपिटर कर रही है, क्योंकि ये बैंक नहीं है, दिस इज कॉल्ड नियो बैंकिंग। मतलब दे आर नॉट बैंक, दे आर ओनली ए, मतलब बोलते हैं ना आइसिंग ओवर द केक, जो चमकता हुआ दिखता है वो है जुपिटर का। जो अगर आप डेबिट कार्ड देखोगे तो वो वर्ल्ड क्लास डिजाइन बनाती है, और भी बहुत सारा फॉरेक्स कार्ड वो फ्री में दे रही है, राइट। सो इट्स न्यू बैंकिंग, तो वो अलग ही सर्विस फील होता है, राइट, देयर देयर इज नो ऑफिस, जो भी होता है ऐप के थ्रू सब कुछ हो जाता है, बट पीछे तो एक बैंक ही बैठा हुआ है। मतलब आप अगर जुपिटर में अकाउंट खोलोगे तो इट्स विल नॉट बी जुपिटर, इट विल बी आई थिंक इंडसइंड बैंक पीछे है। ऐसे ही नियो एक्स है, ठीक है, ये जैसे जुपिटर है वैसे ही नियो एक्स है। तो नियो एक्स के पीछे इक्विटास बैंक है। I'm not able to recall कि जुपिटर के पीछे कौन है, बट आई थिंक इट्स इंडसइंड बैंक। तो जो भी बैंक है पीछे, वो बैंक का बेसिक सर्विस को लेके थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे प्रोवाइड ए बेटर एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ, दे प्रोवाइड ए बेटर एक्सपीरियंस, एंड दैट्स कॉल्ड नियो बैंकिंग। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस भी है, कई बार यू नो वी टेंड टू गेट कंफ्यूज बिटवीन नियो बैंकिंग एंड ए बैंक। तो आई होप ये दिस क्लियर्स इट आउट कि नियो बैंकिंग क्या है, ठीक है, न्यू एज बैंकिंग। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज है अबाउट द लाइसेंस। तो सेबी जो है डेट ब्रोकर लाइसेंस टू ज़ेरोधा बैक्ड गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज। तो ये आपको ध्यान में देना है, ज़ेरोधा कौन है, तो ज़ेरोधा है एक स्टॉक ब्रोकर, ठीक है, और स्टॉक ब्रोकिंग किसके अंदर में आता है, सेबी के अंदर में आता है। तो ज़ेरोधा बैक्ड एक कंपनी है गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज जो डेट ब्रोकर है। मतलब ये इक्विटी सेगमेंट में ब्रोकरेज नहीं करते, ये डेट मार्केट में ब्रोकरेज करते हैं। सो प्रोबेबली वी विल सी इन फ्यूचर, मतलब एक हाइपोथेटिकली आप चीजों को समझो, राइट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी आप पैसा लगा सकते हो, लेकिन आज के दिन में अगर आपको लगाना है तो आपको वो आरबीआई में जो अकाउंट खुलता है, रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक वो अपॉर्चुनिटी है, वहां से लगा सकते हो। दूसरा है कि आप कोई डेट फंड खरीद लो म्यूचुअल फंड के थ्रू, इसके सिवा तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ऐसे, है ना, न्यू एज टेक्नोलॉजी से वेयर कंपनीज कैन ब्रिंग डेट डायरेक्टली टू पीपल। फॉर एग्जांपल ज़ेरोधा का कॉइन यूज करके आपको कॉर्पोरेट्स बॉन्ड में इशू, कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लगा सकते हैं, वैसे ही हो सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में भी आगे जाके लगा सकते हैं। सो दिस कंप्लीटली डिपेंड। तो गोल्डन पाई बिकेम द फर्स्ट ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड टू रिसीव ए डेट ब्रोकरेज लाइसेंस फ्रॉम सेबी। तो समझ में आ गया ये न्यूज कितना इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। दिस यू नो वी आर एक्चुअली डन, लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन, टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB, ऑल द बेस्ट, एंड always remember IXMB helps you prepare 50% faster.